الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग बेटा, थॉट रीड करो। अ बुक इज अ गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। यस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ इस थॉट का? एक बुक छे, एक गिफ्ट छे, एने तमे वारंवार तमे खोली शको छो। ખોલીને એનાથી ગિફ્ટ તમે મેળવી શકો છો, એટલે જ્ઞાન તમે મેળવી શકો છો। એક બુક જ એવી ગિફ્ટ છે કે જેને તમે વારંવાર ખોલીને એમાંથી જ્ઞાન મેળવી શકો છો। બાકીની ગિફ્ટ તો કેવી હોય છે કે તમે અલગ અલગ જ્ઞાન એમાંથી મળતું નથી હોતું, પણ આ બુક તો એવી ગિફ્ટ છે કે એમાંથી રોજ તમને બધું અલગ અલગ જ્ઞાન મળી રહે છે। તો આજના આવા સરસ થોટ્સ સાથે આપણે આજના દિવસની શરૂઆત કરીશું, બરાબર છે? તો આપણે કાલે સમજ્યા હતા લેસન નંબર 6। લેસન નંબર 6 કયું હતું, ચાલો કોણ કહેશે? હેલો, લેસન નંબર 6 આપણે કાલે કયું કર્યું હતું? બોયસ, હેલો, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, કયું ચેપ્ટર હતું? બોયઝ, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જે છે એના જીવન વિશે આપણે આ લેસનમાં કાલે સમજ્યા હતા, બરાબર છે ને? તો આજે આપણે એના શબ્દાર્થ લખી લેશું, બરાબર છે? ચલો, સબ અપની અપની ફેરબુક ઓર પેન લે લે, ઓર ફેરબુક મેં હેડિંગ દે દો, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ લેસન નંબર 6। लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसमें आज की डेट, डे, આપ્યું શબ્દાર્થ નું હેડિંગ બધાય બોયસ, उसमें पहला शब्द है यशस्वी, क्या है पहला शब्द? यशस्वी। तो यशस्वी का मतलब होता है नामी, या तो हम कह सकते हैं ना नामचीन, ખાલી
उसके बाद है नंबर दो, साबित करना यानी कि सिद्ध करना। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार और प्रसिद्ध। उसके बाद परिवार, तो परिवार का मतलब होता है कुटुंब, फैमिली। उसके बाद है प्रतिभावान यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाला, तेजस्वी बुद्धि वाला। उसके बाद है बुलंद यानी कि ऊंचा। किसी की बहुत बड़ी आवाज हो तो कहते इसकी आवाज तो एकदम से बुलंद है, यानी कि ऊंचा जोर से। इसके बाद है इरादा इरादा का मतलब होता है इच्छा या तो संकल्प। इसके बाद है ढेरों यानी कि बहुत सारे, बहुत और ज्यादा, बहुत और ज्यादा। उसके बाद है असलियत यानी कि वास्तविकता, असलियत यानी कि वास्तविकता। कलाबाजी यानी कि कर्तव्य, कलाबाजी यानी कि कर्तव्य। अचंभित
यानी कि विस्मित, आपने विस्मय पोचाड़े तेव, आश्चर्य में पाड़े तेव, आश्चर्यचकित या तो विस्मित। कारनामा यानी कि साहस पूर्ण कार्य, कोई भी साहस वाला काम। भूमित की यानी कि भूमिति या तो रेखा गणित। भूमिति या तो रेखा गणित। इसके बाद है भौतिकी, भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र અરે વાળું પીડીએફ ક્યારે સેન્ડ કરશો? હા બેટા પછી કરી દઈશું, આજે આ શબ્દ આટલો ખાઈ જાય, આજે એની પીડીએફ સેન્ડ કરી દઈશું. ઓકે. સાનિધ્ય યાની કે નિકટતા, બધા જ લખો છો ને? હું હમણાં જ બધાનું ચેક કરીશ, જેનું નામ બોલું ને એને મને વિડીયો કરીને બતાવવાનું છે, બરાબર છે? સ્ક્રીન શેર કરીને મને વિડીયો બતાવવાનો છે. શબ્દાર્થ તમારે લખાઈ ગયા છે, બરાબર ને? ભૌતિકી યાની કે ભૌતિક શાસ્ત્ર, ભૌતિકી યાની કે ભૌતિક શાસ્ત્ર. સાનિધ્ય યાની કે નિકટતા, નજદીક. इसके बाद है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश या तो अवकाश, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसे अंतरिक्ष बोलते हैं. इसके बाद है कास्मिक, कास्मिक यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें, जो ऐसी किरणें जो सूर्य में से निकलकर पृथ्वी पर आती है, तो ये कास्मिक किरणें जो है उनके बारे में अभी तक कोई पूरी जानकारी नहीं पाया है. नहीं, जैसे आकाश में से निकलकर ब्रह्मांड, आकाश से निकलकर जो किरणें पृथ्वी पर आती है, एक और चीज कर रहा है, एक और शब्द. हाँ बेटा, तो इन किरणों के बारे में अभी हमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, और इन किरणों के संशोधन द्वारा, किरणों के संशोधन द्वारा सौर मंडल के कई जटिल रहस्य को सुलझाया जा सकता है.
पर अभी इन किरणों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है। और ये भी कहा जाता है कि ये किरणों की हमें पूरी जानकारी पाने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर ही जाकर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है खोज, आविष्कार या तो संशोधन। खोज, आविष्कार और संशोधन। इसके बाद है उपाधि। उपाधि का मतलब होता है पदवी या तो खिताब। उपाधि का मतलब होता है पदवी या तो खिताब। આપણે ગુજરાતીમાં ઉપાધિ કોને કહીએ છીએ? ટેન્શન ને। જ્યારે હિન્દીમાં ઉપાધિને પદવી યા તો ખિતાબ કહેવામાં આવે છે। इसके बाद है જટિલ। તો ઉલઝે હુએ, उलझे हुए। या तो कठिन, मुश्किल। आजे शब्दार्थ छे, ई समानार्थी शब्द तरीके तमारे एग्जाम मां पूछाई शके छे। एटले एवुं नहीं विचारवानुं के शब्दार्थ करवानी आपणे जरूर नथी। બરાબર છે, શબ્દાર્થ બધાએ લર્ન કરવાના છે। ઓકે બોયસ, સંભળાય છે ને હું બોલું છું? એ ઇસકે બાદ શ્રેય, યાની કે યશ, કીર્તિ। इसके बाद है उपयुक्त। तो ठीक, उपयोगी। ठीक, उपयोगी। अनुकूल तो मुआफिक। अनुकूल तो मुआफिक। उपकरण यानी कि साधन। આપણે કહીએ ને કાલ જે ટેલિવિઝન છે, ફ્રીજ છે, એસી છે, ઘરઘંટી છે, એવી જ રીતે અલગ અલગ બધા મશીનો હોય છે, પંખા છે, લાઇટો છે, આ બધા શું કહેવાય છે? વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણ યાની કે સાધન। ઉપકરણ કા મતલબ હોતા હે સાધન। श्रेय यानी कि यश। श्रेय यानी कि यश। इसके बाद है उपर्युक्त यानी कि
ठीक उपयुक्त यानी ठीक ठीक किया तो उपयोगी। उसके बाद है अनुकूल, तो अनुकूल यानी कि मुआफिक। आपने कहे ने कि आ अमुक वातावरण आपने उपयोग अनुकूल नहीं के आ अमुक जगह आपने अनुकूल नहीं एम आपने बात करता हुए ने कि आपने तो एसटी बस छे ये अनुकूल न आवे कारण के एमां बधा स्मोकिंग करता हुए तो एवी ज रीतना कहेवाय छे अनुकूल यानी कि मुआफिक आपने माफक न आवे का तो माफक आवे अनुकूल यानी कि माफक आवे। के बाद है उपकरण यानी साधन। ऊर्जा लेस तो लिखा था ना हमने, ये बाकी है उपकरण यानी साधन, लेस यानी युक्त यानी तेना वड़े तेना थी। ऊर्जा यानी शक्ति, ऊर्जा यानी शक्ति। आयोग संस्थान, आयोग संस्थान। अगवाई नेतृत्व, प्रक्षेपित यानी अवकाश में स्थापित। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। नवाजना यानी सम्मानित करना, नवाजना यानी सम्मानित करना। व्यस्तता यानी आपने कहे ना कि बिजी व्यस्त अनेक कामों में लगे होना। अनेक कामों में लगे होना। रुचि यानी दिलचस्पी, रुचि यानी दिलचस्पी। निरीक्षण यानी देखरेख, निगरानी। लास्ट में है निधन यानी कि मृत्यु, निधन यानी कि मृत्यु। चलो लखाई गयो बेटा बद्धा ने बॉयज। हेलो हेलो बॉयज, लखाई गयो बेटा बद्धा ने? ओके, सिर्फ एक ने ही यस बोला, बाकी सब ने नहीं लिखा, इसका मतलब ये हुआ है ना। हेलो, बाकी किसी ने नहीं लिखा ना।
चलो ये शब्द आज कौन रीड करेगा बेटा? हेलो, ये शब्द आज कौन रीड करेंगे? बॉयज, हेलो, हेलो कासिम रजा, बीजा कोई जवाब आपे छे के नहीं आपता के एक तू जवाब आपे छो? हेलो सॉरी मैं फजील नो जवाब आपू, फजील जवाब आपे छे? हाँ, अने बीजो कौन जवाब आपे छे? बीजो कोई जवाब ना आपतू? तो अत्यारे कौन बोली तो फजील के कासिम? फजील, ओके फजील, तो आ शब्द आज रीड करीस बेटा? हम ट्राई करू थाय तो करू। हाँ ओके, जहाँ भूल हे त्या हूँ रीड करीस। ओके सिद्ध करना इज्जतदार। ओके रहने दे बेटा, फजील रहने दे बेटा। ओके चलो, तो हमें हूँ छे ने कहीस ने ए मने स्क्रीन प्रेजेंट करीने आजे आपणे जे लख्यू ने मने बतावशे, बराबर छे? चलो अब्दुल रहमान सुधरा, अब्दुल रहमान। यस मैम। हाँ तू स्क्रीन प्रेजेंट करी अने आजना शब्दार्थ बताओ। चलो सुधरा लेफ्ट हो गया, धोराजी वाला अमर, धोराजी वाला अमर। हेलो अमर, चोकिया अजीम। हेलो चोकिया अजीम, धोराजी वाला अमर, धोराजी वाला अमर। ये अकबर मेहंदी आईडी वाला कौन है बेटा? हेलो अकबर मेहंदी आईडी वाला कौन है? जामिन नकवी, नकवी जामिन। हेलो केशवानी अलीवारी, हेलो केशवानी अलीवारी। તમારા બધાની કમ્પ્લેન મારે કોને કરવાની કે તમે બધા કોઈ જવાબ આપતા નથી? બોયસ કે ઘરે ફોન કરવા પડશે બધાને? યસ મેમ। હા આર્યન, યસ મેમ। હા કેમ કોઈ જવાબ નથી આપતા બધાને? ઘરે મારે ફોન કરવા પડશે હવે?
મેં તો અભી જોઈન્ટ હું યાર.